क्योंकि 2018 में इन्होंने इसका प्लांटेशन कर दिया था, एक फसल ली है इन्होंने 11 कि लाख की, फिर तो लॉकडाउन हम विश्वास चालू। नहीं करते कि यार इतना प्रोडक्शन अपन एक ऑर्गेनिक खेती पे हम ले सकते हैं, लेकिन इन्होंने वो चीज़ करके दिखाया है। किसान भाइयों राम राम, मैं राम कृपा कृषि फार्म में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, आज हमारे खेत पर कृषि अधिकारी आए हुए हैं आत्म परियोजना से, तो हम उनका आपसे परिचय करवाने जा रहे हैं। सर जी, आपका नाम पता बताओ और आप यहाँ पर आए, आपका अनुभव बताओ। नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश पटेल है, मैं सहायक तकनीकी प्रबंधक विकासखंड खरगोन आत्मा से हूँ। और रामचंद भाई की जो फील्ड है, रामचंद भाई का जो खेत है, वह हमारे कार्य क्षेत्र विकासखंड खरगोन में है, ग्राम रजूर में। रामचंद भाई से हम पहले भी कई बार मुलाकात हो चुकी है, रामचंद भाई को हम 4-5 साल से जानते हैं। रामचंद भाई का जो यह खेती किसानी का जो जीवन है, यह बहुत समस्याओं से भरा हुआ था, बहुत स्ट्रगल किसानों की श्रेणी में आ रहा है। पहले यह मिर्ची की खेती करते थे, मिर्ची कपास जो परंपरागत खेतियां होती रहती है, जो सामान्य लोग करते हैं उस प्रकार की खेतियां करते थे। तो मिर्ची की खेती हमारे निमाड़ क्षेत्र में एक बहुआयामी खेती के रूप में जानी जाती है, कि मिर्ची की खेती से ही हमारा सब कुछ हो सकता है। मिर्ची की खेती से ही हमारी शादी, हमारा मकान, हमारा कपड़े, हमारा भोजन, हमारा सब कुछ हो सकता है, तो मिर्ची की खेती से ही हो सकता है। और मिर्ची में भी रासायनिक खेती, और रासायनिक खेती भी अंधाधुंध रासायनिक खेती, जिसको कहते हैं कि जिसका मिर्ची का फल जो रहता है, मिर्ची जो रहती है, उसका जीवन चक्र ख़त्म हो जाए लेकिन उसमें रासायनिक का अंश नहीं जाए, इस प्रकार की रासायनिक खेती हमारे यहाँ पे लोग करते हैं। और रामचंद भाई भी करते थे, लेकिन रामचंद भाई को मिर्ची में खूब उत्पादन, क्योंकि प्रोग्रेसिव किसान है, मेहनती किसान है, हमेशा अधिक उत्पादन की ओर जाते, लक्ष्य साध कर चलते हैं, इस हिसाब से खेती करते। तो बड़ी सी बात है कि उत्पादन तो लेते हैं वो, लेकिन उनको ऐसा महसूस हुआ 2018 में कि मिर्ची की खेती करने के बाद, मिर्ची की खेती में खूब उत्पादन लेने के बाद, मिर्ची की खेती का रेट भी मिलने के बाद, इसमें हमें कुछ मिलता नहीं, हमें कुछ बचता नहीं, और हमारी ज़मीन भी ख़राब होती जा रही, और जिसको हमारी मिर्ची उत्पादित करके खिला रहा है उनका स्वास्थ्य भी ख़राब हो रहा है। फिर इन्होंने 2018 से ये जो अमरूद की खेती का चयन किया, और इस खेती को चयन करने के बाद इन्होंने जो इसका सेटअप तैयार किया, और इस पे इन्होंने रिस्क खेली, क्योंकि मिर्ची की खेती रासायनिक पद्धति से करने के बाद भी इन पे उन्होंने ही बताया, उनकी जुबानी, कि मेरे ऊपर 70 लाख का कर्जा था, मेरी जमीन बिक रही थी, इस टाइप से मेरे पास कर्जा था, लेकिन मैंने हिम्मत की, साहूकारों से थोड़ा मोटा कर्जा लिया, थोड़ा बहुत परिवार रिश्तेदारों से कर्ज लेके इस खेती को चालू किया, और इस खेती को चालू करने के बाद में 2 लॉकडाउन भी आए, क्योंकि 2018 में इन्होंने इसका प्लांटेशन कर दिया था, एक फसल ली इन्होंने 11 लाख की, फिर लॉकडाउन चालू हो गया, लॉकडाउन लगने के बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फिर इस खेती को बढ़ाते रहे। इनको ऐसा महसूस हो गया कि मैं इस खेती से ही मेरा सब कुछ हो सकता है। फिर इन्होंने लॉकडाउन का जो समय था उसमें इन्होंने जो कृषि ज्ञान अर्जित करना था वो सारा कुछ कर लिया, फिर उसको इन्होंने अपने खेत में अप्लाई करते रहे। ये इनकी जो ये फील्ड है, बताओ इधर, इनकी जो ये फील्ड है यह पूर्णतः जैविक है, और इसमें ये रासायनिक का ना तो किसी को खेत में नाम लेने देते, और ना कहीं पन्नी आपको दिखेगी, ना कुछ दिखेगा। रासायनिक खेती से इनका पूरी तरह मोह भंग हो गया, और यह पूरी तरह जैविक खेती कर रहा है, और यह जैविक खेती के लदे पौधे हैं। इनकी क्वालिटी, इनकी क्वांटिटी, और इनमें जो मिठास है, वो मेरे को नहीं लगता कि कहीं खरगोन ज़िले में अमरूद की खेती इस प्रकार से हो रही, कि इस प्रकार की मिठास हो, ऐसी क्वालिटी हो, ऐसी क्वांटिटी हो, और इनका माल विदेशों में भी एक्सपोर्ट हो रहा है। और यह जो इनकी जो खेती है, यह जैविक है, जैविक के साथ साथ में ये जो हमारे जो डीकम्पोज़र वगैरह, इनका बहुआयामी उपयोग कर रहे हैं,
और इनसे इनका अभी तक का जो हमने पूछा इनको, तो इनका जो कर्ज की मैंने पहले बात आपको बताई वह यह नील हो गए, और अब यह भविष्य में जो सफलता प्राप्त कर रहे हैं उसमें यह इस सेटअप को और बड़ा डेवलप करेंगे। खरगोन ज़िले में इसका नाम होगा, इस प्रकार की खेती करना चाह रहे हैं, इसी का धन्यवाद। सर जी आपका नाम ज़रा बताओ, आपका अनुभव। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है शिव कुमार सिंह राठौड़। मैं खरगोन कृषि विभाग में आत्मा परियोजना में, और मैं यहाँ पे आज रामचंद्र भाई के फार्म पर आए हैं। तो हमने ये देखा कि अब केमिकल तो खेती बहुत सारे लोग करते हैं, पर जो ऑर्गेनिक खेती और जो इन्हें प्राकृतिक खेती जो करके दिखाया है किसानों के लिए, एक मतलब अपन बोल सकते हैं कि विश्वास नहीं करते कि यार इतना प्रोडक्शन अपन एक ऑर्गेनिक खेती पर हम ले सकते हैं, लेकिन इन्होंने वो चीज़ करके दिखाया है। इसलिए आप जो भी किसान भाइयों आप चाहते हो कि अपन प्राकृतिक खेती करें, तो वो आके बकायदा यहाँ फील्ड भ्रमण करें और इनसे जानकारी लें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। किसान भाइयों, आपने जो सर हमारे खेत पर आए उनका अनुभव सुना, और भी जो हमारे फार्म पर हम आगे कर रहे हैं, जो करने वाले हैं, वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।